आइए दोस्त, जय श्री कृष्ण। मैं काफ़ी वर्षों से एक काम में लगा हूँ जो पर्यावरण और पर्यटन से जुड़ा हुआ है। कई बार कई मंचों पर जाने का अवसर मिला, कई संस्थाओं में, कई मंचों पर कई बच्चों को प्रस्तुत करने का भी अवसर मिला। कई बार लोगों ने मेरे से ये सवाल करा, हमें मालूम पड़ा है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं स्कूल ही नहीं गया हूँ। पर मैं बगैर पढ़ा हूँ, फिर भी मैंने कर्म कुछ ऐसे किए हैं कि किसी को शर्मिंदा ना होना पड़े कि ये बगैर पढ़ा है। तो इसी पे दो चार लाइन ऐसी दिमाग में आई, तो मैंने कहा आप लोगों को शेयर करूँ कि हाँ, मैं बगैर पढ़ा हूँ, मगर मैं पढ़ा भी तो नहीं हूँ। मैं बगैर पढ़ा हूँ, कोई ये ना कहे कि ये बगैर पढ़ा है इसलिए यहाँ पढ़ा है। हाँ, मैं बगैर पढ़ा हूँ, फिर भी आगे बढ़ा हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम पढ़े होते तो हम कहीं पढ़े होते। हम बगैर पढ़े हैं और आप लोगों के आगे खड़े हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। अब और पढ़ाई लिखी की बातें करें तो हम पढ़ लिख कर भी कोई ज़्यादा तरक्की नहीं की है। आप लोगों को लगता होगा तरक्की की है, मुझे भी लगता है, पर इस तरक्की से मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि पढ़ा आज का आदमी और उस समय का बगैर पढ़ा आदमी में बहुत फर्क है। जब हम गांव पर रहते थे, बगैर पढ़े लिखे थे, जब तक बगैर पढ़े लिखे रहे हैं, तो घर के, परिवार के, गांव के चाचा दादा दादी कक्का और पड़ोस के गांव के, इतनी दूर दूर के लोगों की इज्जत करते थे। आज हम पढ़ लिख के ये तरक्की कर गए कि बेटा सिगरेट खींच के बाप के मुंह पे फू कर रहा है, ये हमने तरक्की की। हम बगैर पढ़े थे, मान मर्यादाओं के कपड़े पहनते थे, और सबसे अच्छा जो हम काम करते थे बगैर पढ़े, वो ये करते थे कि हम प्रकृति को कभी नष्ट नहीं करते थे। इतना हमारा उपयोग नहीं था। उस समय पेड़ लगते बहुत थे, कटते बहुत कम थे। आज पेड़ लग बिल्कुल भी नहीं रहे हैं और कट रोज रहे हैं। हम पढ़ लिख के ये तरक्की की साइंस ने, हमने, इंजीनियरों ने, सब ने, कि ऐसी हमने मशीन बना डाली कि 500 साल पुराना पेड़ 5 घंटे में काट पीट के बराबर कर देते हैं। ऐसी मशीन बना ली है। पर भाई साहब, ऐसी भी कोई मशीन बना लेते कि 500 साल का पेड़ 5 साल में हमें बड़ा करके दिखा देते। इसलिए मैं ये पढ़े लिखे की तरक्की से खुश नहीं हूँ। हम बगैर पढ़े अच्छे थे, और अगर पढ़ गए हो और मेरी बात समझ में आए, तो हम प्रकृति को जरूर बचाएं, आने वाली पीढ़ियां हमारी सांस ले सकें। इतना प्रदूषण होता जा रहा है। अभी ये लॉकडाउन में जितने लोग परेशान हुए, कई लोग हर चीज़ से, रोज पेपरों में, टीवी में देखा कि साहब वो इससे भूखो मर रहे हैं, ऐसा परेशान हो रहा है। ये अपनी जगह अपना अपना हिसाब है, ये मैं नहीं कह रहा कि लोगों को परेशानी नहीं हुई होगी है। पर लॉकडाउन में मैं सबसे ज़्यादा खुश रहा, क्योंकि 4-6 महीना लॉकडाउन के दौरान ना तो कहीं मैंने जलाऊ लकड़ी की ट्राली भरी जाते देखी, ना ही मैंने पेड़ कटते देखा, ना ही मैंने पानी का दोहन देखा। मैं बड़ा खुश हूँ। क्या है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के लिए इतना ही बहुत है। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।